एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा जौहरी है। आज मैं आपके सामने इन्फेंट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ। ये मेरा वीडियो मेनली उन माओं को डेडिकेट है जो नई नई माएँ बनी हैं और बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम होने पे बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आई से शुरुआत करते हैं। ये देखा गया है ज़्यादातर बच्चों में कि जन्म के बाद आँखों में पानी आने लगता है बच्चों की, या कीचड़ जैसा आने लगता है। तो उस कंडीशन में घबराना बिल्कुल नहीं है। आँखों की सफाई कैसे करनी है और उसमें जो टियर ग्लैंड कभी कभी आँखों में ब्लॉक हो जाती हैं उनको कैसे मालिश से खोला जा सकता है, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले होती है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया 30 ये मेनली उन बच्चों में अच्छा वर्क करती है जहाँ आँख से पानी आता है, तो उसमें देनी है यूफ्रेशिया 30। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30, ये उन बच्चों में अच्छा इफेक्ट डालती है जिनकी आंखों में लालपन ज़्यादा होता है, तो उसमें बेलाडोना 30। तीसरी मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला मेनली उन बच्चों में अच्छा इफेक्ट करती है जब आंख से कीचड़ जैसा या ग्लू लाइक मटीरियल जो है होता है वो आता है आँखों से, तो उसमें पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये आपको देनी कैसे है, आपको पानी उबाल लेना है अच्छे से, फिर उसको ठंडा कर लेना है। हल्का गुनगुना भी चलेगा, ल्यूकवॉर्म वाटर भी चलेगा या रूम टेम्परेचर वाला वाटर भी चलेगा। उसमें 1/4 टीस्पून पानी में 3 या 4 ड्रॉप्स डाल के सुबह शाम बस दिन में 2 बार देनी है। बाकी आँखों की सफाई कैसे करनी है मैं अभी आपको उसके बारे में आगे बताती हूँ। और हाँ, आपको एक बार मैं ये बता दूँ, कभी भी आँखों में काजल बिल्कुल भी नहीं डालना है। कुछ माओं को ये लगता है कि काजल डालने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आंखों में काजल नहीं डालना है चाहे वो घर का बनाया क्यों ना हो। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आंखों की सफाई कैसे करनी है और मालिश कैसे करनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बच्चों में आंखों में कीचड़ आता है, पानी आता है टियर ग्लैंड ब्लॉक होने की वजह से, तो उसको कैसे खोला जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि या तो आप पानी उबाल के थोड़ा गुनगुना करके रख लीजिए और उसमें कॉटन डिप करके यहाँ से शुरू करनी है, बिल्कुल अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से आँख साफ करनी है बच्चों की। और आँखों के पास यहाँ पे ये टियर ग्लैंड्स होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, उसको जब भी मालिश करें तो इसको धीरे धीरे ऐसे करके प्रेस करके मालिश करना है डेली दोनों साइड में, तो इससे जो ब्लॉक टियर ग्लैंड्स होती हैं वो खुल जाती हैं। पहले एक आई में करना है फिर दूसरी आई में करना है, और ध्यान रहे कि एक आई से दूसरी आई में इन्फेक्शन ना जाए, मतलब बच्चे को इस तरह से करवट से निटाल के करना है कि एक तरफ में एक आई का ही साफ हो। तो ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई और आँखों में इन्फेक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या होम्योपैथिक मेडिसिन मंगानी है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हमारे यहाँ से मेडिसिन कुरियर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।